Hey, welcome back to our channel. In this video, I want to tell you how to enable notification light. इस फोन में फोन कैमरे के आसपास कलरफुल नोटिफिकेशन लाइट एक्टिवेट कैसे करें? दोस्तों, किसी भी नोटिफिकेशन आने पर इस तरह के खूबसूरत कलरफुल लाइट ब्लिंक करते रहेगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में ठीक से काम कराने के लिए एक परमिशन अलाउ करना होगा। होम पेज में AOE एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो में जाना है। इसके बाद ऑटो स्टार्ट परमिशन अलाउ कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद बिना कोई रेस्ट्रिक्शन हमें नोटिफाई कर सके। दोस्तों, अब ऑलवेज ऑन एज एप्लीकेशन ओपन करिए। उसके बाद सभी टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके इसकी होम पेज में चले जाइए। नोटिफिकेशन लाइट एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करना होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कोई भी स्टेप मिस मत करना। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिक्वायर्ड परमिशन टैब ओपन करके हर एक परमिशन अलाउ करना होगा। ऐप रेस्ट्रिक्शन, ऑलवेज ऑन एज ऐप में बाय डिफॉल्ट बैटरी सेवर सेट रहते हैं, इस परमिशन को चेंज करके नो रेस्ट्रिक्शन सेट कीजिए। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट लाइटिंग कंट्रोलर। नेक्स्ट डाउनलोड ऐप्स में जाके इंडिपेंडेंट लाइटिंग कंट्रोलर को टर्न ऑन कर दीजिए। थर्ड, नोटिफिकेशन एक्सेस, आप नोटिफिकेशन एक्सेस को इनेबल करना है। फोर्थ, शो ओवर अदर ऐप, इसे भी इनेबल कर दीजिए। फिफ्थ, फोन स्टेट एंड चेंज सिस्टम सेटिंग्स को टर्न ऑन करिए। इसके बाद सभी सेटिंग्स को सेव कर देंगे। फ्री में इस्तेमाल करने के लिए यहाँ वॉच वीडियो पे क्लिक करके एक एडवर्टाइजमेंट देखना होगा, या तो विदाउट एड्स इसका प्रीमियम वर्सन परचेस कर सकते हैं। एड्स देखने के बाद सेटिंग्स सेव हो गया है। फर्स्ट सेटिंग सेट हो चुका है, यहाँ से बैक जाइए। नेक्स्ट एज लाइटिंग सेटिंग्स ओपन करना है। एज लाइटिंग सेटिंग्स के अंदर कई सारे कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट, नोटिफिकेशन लाइटिंग। नोटिफिकेशन लाइटिंग कब चाहिए? जब स्क्रीन ऑफ रहेगा, जब स्क्रीन ऑन होगा, या स्क्रीन ऑफ हो या ऑन नोटिफिकेशन लाइट शो होगा। इनमें से स्क्रीन इज ऑफ सेट कीजिए, इसमें बैटरी भी सेव होगा और जब स्क्रीन ऑफ रहेगा नोटिफिकेशन आने पर फोन कैमरा लाइट ब्लिंक करते रहेगा। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे नीचे आइए, यहाँ पे रिमाइंडर व्हाइल स्क्रीन इज ऑफ ऑप्शन को टर्न ऑन करिए। नोटिफिकेशन आने के बाद 8 सेकेंड के लिए हर 15 सेकेंड में नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक करेगा, और ऐसे एक नोटिफिकेशन के लिए आपको 5 टाइम लाइट देखने को मिलेगा। यह नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंकिंग टाइम और भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेंबरशिप खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे नीचे जाके इस सेटिंग्स को भी सेव कर देंगे। नेक्स्ट, लाइटिंग सेटिंग्स। लाइटिंग सेटिंग्स के अंदर कई सारे कस्टमाइजेशन टैब दी गई है। इनेबल नॉच सपोर्ट, इस टैब को ओपन करके एडजस्ट मैनुअली सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से नॉच टाइप ओ चूज करना है। इसके बाद कैमरा होल के हिसाब से रिंग लाइट को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। नॉच वाइट 50, नॉच हाइट 50, कार्ब रेडियस 15, टॉप वैल्यू 27, इसके बाद सेंटर सिलेक्ट करना है। कैमरा होल के हिसाब से इन सभी वैल्यू को आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज थिकनेस वैल्यू 15 या आप अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकते हैं। लाइटिंग प्लेसमेंट, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की लाइटिंग ऑप्शन दी गई है। अराउंड नॉच ओनली, लाइट कैमरा नॉच के आसपास दिखाई देगा। ऐप नेम एंड नोटिफिकेशन डिटेल अगर सेट करेंगे, तब जिस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आएगा उसका नेम एंड सेंडर डिटेल शो होगा। एज स्टाइल, इस टैब को ओपन करके लाइट डिजाइन चेंज कर सकते हैं। बैटरी पावर सेव करने के लिए स्टेबल ऑप्शन सबसे बेस्ट है। एज कलर अमाउंट, 1 कलर, 2 कलर, यहाँ एज कलर में जाके अपना पसंदीदा कलर चूज कर सकते हैं। देखिए, रेनबो कलर सेट करने से एक खूबसूरत रिंग कैमरे के चारों ओर घूम रही है। दोस्तों, अब यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कॉम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद नीचे जाके सक्सेसफुली सेटिंग्स को सेव कर देंगे। ऑलवेज ऑन एज एप्लीकेशन सेटअप करने के बाद आप अपना डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। रिस्टार्ट का मतलब है फोन को एक बार स्विच ऑफ करके वापस ऑन कर लेना। दोस्तों, अब से जब हमारे फ़ोन का स्क्रीन ऑफ होगी और नोटिफिकेशन आएगा, तो इस तरह के कलरफुल रिंग लाइट कैमरे के चारों तरफ घूमते रहेगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।